ओम सर्व मंगल मांगल्य शुभे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। मेरे भैया के मुंह से एक अच्छा नाम तो निकला। मैं तो कहती हूँ भैया, अगर तुम रोज गीता का पाठ करना शुरू कर दो ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। कल्याण की बच्ची, ये भी कोई तरीका जगाने का? खैर, एक फायदा हो गया, आज नहाने से छुट्टी मिल गई है, इसका मतलब 15 मिनट और सो सकता हूँ। नहीं 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 भैया, कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो उठो नहीं तो एक और बहुत भयानक तरीका आ रहा है मेरे दिमाग में। नहीं नहीं नहीं, अब और कोई जुमला करना, देखो देखो मैं उठ गया। अब हुक्म ये है कि इस वक्त बज रहे हैं 10। जी हाँ, इस वक्त बज रहे हैं 10। अरे बाप रे, ठीक 10 बजे आपको दफ्तर पहुंचना था। 10:30 बजे आपकी अपॉइंटमेंट है मिस्टर अमरजीत के साथ, उनके इंश्योरेंस के सिलसिले में। 11 बजे आपको जरीवाला से मिलना है मिस्टर अमरजीत के मेडिकल चेकअप के लिए। और 12 बजे और सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, 12:20 पर जू पहुंचना है तुम्हें हेमा मालिनी के इंश्योरेंस के लिए। हेमा मालिनी, हाँ। और फिर ठीक 2 बजे उन्हें लेकर वकील के पास जाओगे डिस्प्यूट के लिए। और उसके बाद अरे 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 भैया, क्या तुम इस तरह जाओगे ऑफिस?
तो आ गए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून कहो। आफ्टरनून? माफ करना सर, मेरी घड़ी कुछ स्लो है। उससे ज्यादा तुम स्लो हो, इडियट हो, निकम्मे हो। समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। ठीक है सर, मेरी भी समझ में नहीं आता कि मैं खुद कैसे लेट हो जाता हूँ। यकीन मानिए सर, मैं ठीक वक्त पे पैदा हुआ था, ठीक वक्त पे स्कूल गया था, ठीक वक्त पे कॉलेज गया था, ठीक वक्त पे खाता हूँ, ठीक वक्त पे सोता हूँ, ठीक वक्त पे उठता हूँ, ठीक वक्त पे ऑफिस नहीं आ सकते। अमरजीत की पॉलिसी का क्या हुआ? घबराइए मत सर, आज का प्रॉमिस है, मैं बिल्कुल ठीक वक्त पे पहुंच जाऊंगा। जाओगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे? गुड डे सर, गुड डे। अरे नीलिमा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? नहीं यार, तुम्हारा वो मोटू मधु, प्लीज तुम भी कहाँ जाके फंसी हो? कहाँ तुम एक एयर हॉस्टेस जिसकी जिंदगी जेट की स्पीड की तरह, और कहाँ वो लेट लतीफ मोटू। लो आ गया। सुन, डैडी को फोन कर देना, आज मैं फिर लेट आऊंगी। ओके बाय। आज फिर लेट, समझ नहीं आता तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। तुम ठीक कहती हो, तुम्हारे डैडी भी यही कह रहे थे, और सच पूछो तो मैं खुद नहीं जानता अपने आप के साथ क्या सलूक करूं। खैर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या? गरम पैंटे। चलो चलो जल्दी से पहनो और मुझे दिखाओ। लवली, लेकिन इसे यहाँ पहनूं? नहीं, चलो कहाँ? खेतों में चल के गाना वाना गाएंगे। तुम्हें आजकल कुछ काम वाम नहीं है क्या? है, वो अमरजीत की पॉलिसी करवानी है, लेकिन उसे जल्दी वल्दी नहीं है, आजकल फिर पिक्चर बना रहा है। चलो चलते हैं। चलो। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है ना मुझसे दूर जाकर? मेरा तो एक इरादा और भी हो रहा है, लंदन तो जा ही रहा हूँ, सोचता हूँ कि ये शादी वादी का झंझट भी वही खत्म करके आऊँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? जब तुमने इरादा कर ही लिया है तो मुझसे क्या पूछते हो? ले आओ कोई वहीं से। कैसी लाऊं, मोटी या दुबली, गोरी या काली, बुढ़िया या गुड़िया? और फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए तो ये गुड़िया काफी काफी है साहब। देखो वेटर भी कह गया। रवि, तुम जल्दी वापस आ जाओगे ना? अरे ये भी कोई कहने की बात है? बस यूं गया और यूं आऊंगा, और आने के साथ ही अपनी शादी की शहनाई बजेगी, वरना सचमुच में मेरी गुड़िया मेरे इंतजार में बुढ़िया बन जाएगी। लोग देख रहे हैं। उल्लू। कौन? मैं और कौन? क्यों इतनी देर से तुम पास हो और मैंने अभी तक कुछ नहीं किया? क्या करना चाहते हो तुम? बताऊं? सच? हाँ। वो ये क्या कर रहे हो? वही जो सब लोग कर रहे हैं। सब तुम्हारी तरह बुजदिल थोड़ी ना है, सब शादीशुदा है। तो ठीक है, हम लोग भी शादी कर लेंगे। तो चलो चलो। लेकिन कहाँ? पापा के पास। तुम फिर अपने बाप को बीच में ले आई? यहाँ आ जाए तो मजा आ जाए। आ जाने दो, मैं तुम्हारे बाप से डरता हूँ क्या? अरे डरते नहीं हो तो बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूँ, शादी की? ची, 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 ची। ये भी कोई उम्र है उनकी शादी करने की? मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ अपने साथ। लवली सुनो, अगर तुमने आज पापा से शादी की बात नहीं की तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे बाप से आज ही मिलता हूँ। तो क्या कहोगे उनसे? देखिए ना, वैसे तो आप मेरे बारे में, मेरी काबिलियत के बारे में सब कुछ जानते हैं। जैसे आप शरीफ बाप हैं, वैसा ही मैं शरीफ बेटा हूं। बस आपका दामाद बनने की कोशिश कर रहा हूं। आप नहीं जानते मैं और नीलमा एक दूसरे को कितना चाहते हैं, एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं तेरे की। ये तुम एतराज को क्यों ले आए बीच में? बकवास, बिल्कुल बंडल। ये भी कोई तरीका है बात करने का? अरे शादी ब्याह की बात करने चले हो भैया, बात में कुछ बात होनी चाहिए। क्या बात होनी चाहिए? देखो फर्ज करो तुम वहां पहुंचे और तुम्हारे होने वाले ससुर यानी के मेरे होने वाली भाभी के पिताजी तुमसे ये पूछ बैठते हैं कि तुम आखिर उसी की बेटी से क्यों शादी करना चाहते हो, तो तुम क्या कहोगे? मैं कहूंगा कि ये कह देना कि हमारा रिश्ता तो जन्म जन्म से चला आ रहा है, लेकिन इस जन्म में सिर्फ आपकी एक हाँ की जरूरत है। आप नहीं जानते कि मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। रवि मेरी जिंदगी है, मेरा देवता है, मेरा सब कुछ है। अगर इस जन्म में मैं ना पा सकी। ये रिहर्सल मैं अपने लिए कर रहा हूँ या तू अपने लिए कर रही है? अरे भैया की बच्ची, तू मेरी बहन है ना, बस यही मार खा गया मैं। काश मेरा कोई भाई होता तो कम से कम नीलमा के बाप से जाके बात तो कर सकता। अरे भाई ना सही, कोई कम्बक खूसर रिश्तेदारी होता, कोई चाचा दादा मामा ना, हो गया। क्या हो गया? नाना। नाना? चंपकलाल, मेरा नाम है चंपकलाल, मैं आनंद का नाना हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप आनंद के नाना है? जी हाँ।
यानी कि वो मेरा नाती है, बड़ा ही लायक बच्चा है, धर्म कर्म का पक्का। लेकिन नीलिमा बड़े आजाद ख्याल की लड़की है। आजादी तो हम नौजवानों का, मेरा मतलब आजादी तो नौजवानों का पैदाशी है। जी हाँ, क्यों नहीं। वैसे कपूर साहब, आजादी की जंग तो हमने सन 1857 में देखी थी। देखिए, 1857? जी हाँ, 1857। आप तब से अब तक जिंदा हैं? जी जी, वो ये नीलिमा बेटी आ रही है। आओ बालिए, आओ आओ। आप नीलिमा को पहचानते? कैसी बातें कर रहे, मैं और अपने आनंद की पसंद को ना जानू? अरे मैं तो ऐसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वाह 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 वाह, क्या पसंद है आनंद की है। यानी कि चश्मे बद्दूर, यानी कि एक बार फिर जवान होने को जी चाहता है, चाहता है। नीलिमा बेटी, ये आनंद के नाना हैं, श्री चिंपक लाल जी। चिंपक लाल? आनंद के नाना। ओह हाँ हाँ, नाना जी नाना जी, आनंद आपकी अक्सर तारीफ क्या करते हैं। करता होगा होगा। नीलिमा बेटे, इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। यस सर। हाँ बालिके, तशरीफ रखिए। श्री चिंपक लाल जी, आपके चश्मे का नंबर क्या है? जी -5। जरा देखूं? जरूर देखिए, शौक से देखिए, देखिए। -5 है आपके चश्मे का नंबर? जी हाँ, 5, यानी कि 100% -5। अच्छा बाप, जरा मेरा ये चश्मा लगा के देखिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरे भी चश्मे का नंबर -5 है। क्यों चिंपकलाल जी, आपको ठीक नजर आ रहा है ना? क्यों नहीं साहब, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, दे रहा है। चिंपकलाल जी, आपकी चाय। बड़ी शरीर है। अखरोट, मुझे अखरोट बहुत पसंद है। शायद मेरा चश्मा आपको सूट नहीं कर रहा श्री चंपकलाल। जी जी, यानी कि आपका नंबर कुछ कम है। बेशक बेशक। चंपकलाल जी, वैसे आप दिल्ली में रहते कहाँ हैं? कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार में? मेरा मतलब कुतुब मीनार के नीचे। कुछ 37 सालों से वहां मेरा दवा खाना है। मैं वैद्य हूँ, वैद्य। काफी ताकत है आपके हाथों में। योगा और जड़ी बूटियों के कुश्तों का नतीजा है। इसीलिए हजरत आपके गालों की सुर्खी अभी तक कायम है। किबला आंवले के मुरब्बे का असर है। आपकी आंखों में जमाने की झलक अभी तक बाकी है। यानी कि नीम के सुरमे का नतीजा है। और वो मिस्टर अजय की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या हुआ? वो तो लैप्स हो गई थी सर, लेकिन मैंने रिन्यू करा दी है। आनंद। यस सर। तुम मक्कार हो। यस सर। तुम ठोंगी हो। यस सर। फिर भी तुम मेरी बेटी शादी करना चाहते हो? यस सर। मैं तो अंगूठी भी लाया हूं। तो पहना तो क्यों नहीं? व्हाट सर? पहना। जी मुझे नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिर तुमने गीता की शादी के बारे में क्या सोचा आनंद? जी सोचना क्या है, वही करेंगे जो आपने और पिताजी ने फैसला किया था। देखो बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो मुझे ये बात दोहरानी नहीं पड़ती, मगर अब दिन नजदीक आते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बात साफ साफ हो जाए तो अच्छा है। यानी बात अभी तक साफ नहीं है? शादी तो समझो तय है बेटा, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने दहेज में 1,00,000 रुपए देने का वादा किया था। 1,00,000 रुपए? अंकल आप तो जानते हैं मेरी क्या तनख्वाह है, सिर्फ 700। ये मकान तो पिताजी ने पहले से गिरी रखा हुआ है। उनके मरने के बाद हम भाई बहन ने कैसे दिन काटे ये सिर्फ हम ही जानते हैं, और फिर भी आप हमसे 1,00,000 रुपए मांग रहे हैं। रवि और गीता की शादी इसी शर्त पर तय। इसका ये मतलब कि आपको अपने बेटे के लिए बहू नहीं, 1,00,000 रुपए के नोटों से सजी हुई गुड़िया चाहिए। ना, ना, ना। ये 1,00,000 रुपया देकर तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं करोगे। इससे कई गुना ज्यादा मैं उसकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर चुका हूँ, और अभी अभी उसे लंदन भेजा है। मैं आज भी 1,00,000 रुपया लेने के लिए इसलिए राजी हूँ कि तुम्हारे मरहूम बाप को वचन दिया था
वरना रवि की शादी के लिए कई लोग इससे कहीं ज्यादा रुपए देने को तैयार है। अगर तुम लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते तो क्या आप सगाई तोड़ देंगे? बिल्कुल। तो फिर तोड़ दीजिए ये सगाई और चले जाइए यहाँ से। आनंद चिल्लाइए मत, अगर आप मेरे बुजुर्ग ना होते तो मैं आपको यहाँ मार कर निकाल देते, यही कहना चाहते हो ना? लेकिन आनंद इस बेइज्जती के लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। याद रखो रिश्ता तोड़ना आसान होता है, जोड़ना मुश्किल होता है। आप यहाँ से जा सकते हैं। अच्छी बात। शादी न हुई व्यापार हो गया, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, इंसान की कोई कीमत नहीं। क्यों गीता, मैंने ठीक ही किया ना? बिल्कुल ठीक किया भैया। लेकिन तू खुश है ना? बहुत खुश हूँ भैया, बहुत खुश हूँ। अरे जितने ही इनके घर बड़े हैं ना उतने ही उनके दिल छोटे हैं। अच्छा हुआ तेरा उस घर में जाने से पहले उनकी असलियत का पता चल गया। अब तू देखना तेरी शादी क्या शान से करता हूं मैं। ना ही आज तक कोई ऐसी डोली सजी होगी और ना ही आज तक कोई ऐसी दुल्हन बनी होगी। नहीं सोचा कि तेरे बिना तेरा भाई का क्या होगा? मैं तो सपने में भी अपने भैया का बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन तुम पर बोझ बनकर मैं जी भी तो नहीं सकती। कौन कहता है तुम मुझ पर बोझ हो? मैं जानता हूं तुम और रवि एक दूसरे को बहुत चाहते हो। तुम्हारी शादी रवि से ही होगी, चाहे मुझे सारी दुनिया से टक्कर लेनी पड़े, तुम्हारी शादी रवि से ही होगी। भैया तुम अब किस लिए आए? या कोई कसर बाकी रह गई थी जो आप पूरी करने आए हो? जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगने आया हूँ। कल तो बड़ी आंखें निकालकर बातें कर रहे थे, अब गर्दन क्यों झुक गई? आंखें उठाकर बातें करो, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं आपके दरवाजे पर अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगने आया हूँ। शादी की तारीख पक्की करवा दीजिए, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। मैंने भी तुमसे एक सवाल किया था। आपकी मांग मेरी बहन की मांग के संदूर से ज्यादा कीमती नहीं, मैं अपनी जान देकर भी आपकी मांग पूरी करूंगा। आप बस हाँ कह दीजिए, मैं कहीं से भी लाख रुपए ले आऊंगा। तारा डूबने में 2 महीने बाकी है, इस अरसे में शादी की तैयारी कर सकते हो? जी हाँ कर सकता हूँ। तो ठीक है, 10 जून की तारीख तय हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई कोई है इस घर में जो इस मजदूर की मदद करे? भैया मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भैया ये सब क्या उठा रहा है? उठा ले? तुम अपने भाई को उठा के रहा समझती हो क्या? माल देके आए हो, माल कैश रोकड़ा। मगर ये सब क्या है? मैं बताती, ये तुम्हारे भैया है ना, ये तुम्हें घर से निकालने के चक्कर में है। अच्छा ना भाभी, फिर भाभी मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ मैं अभी तुम्हारी भाभी नहीं बनी, समझा लो अपनी बहन को। और मैं नहीं, ऐसे कौन जाने देगा तुम्हें? तुम रोक रही हो तो रुक जाती हो, वैसे जाने की तैयारी तो तुम्हें करनी है। और मैंने भी फैसला कर लिया, ऐसे धूमधाम से अपनी बहन की शादी करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। चल चल चल, ये साड़ी पहन के तो दिखा।
झिलमिल सितारों में चांद का टुकड़ा नजर आ रही है मेरी बहन? नहीं, चांद का टुकड़ा नहीं, काली घटा बनकर छा गई है ये बहन अपने भाई पर। तू काहे रोती है, हर आंसू मोती है, प्यारा सा तेरा मुखड़ा, प्यारे से तेरे नैना, परियों से भी सुंदर मेरी बहना, ओ मेरी बहना, प्यारा सा तेरा मुखड़ा, प्यारे से तेरे नैना, परियों से भी सुंदर, ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना, प्यारा सा तेरा मुखड़ा। अरे पगली फिर रोती है। तू काहे रोती है, हर आंसू मोती है, तू काहे रोती है, हर आंसू मोती है, इस मोती की कीमत क्या जाने, अनजाने बेगाने, बदलेगी तेरी किस्मत, सच होगा मेरा कहना, परियों से भी सुंदर ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना, प्यारा सा तेरा मुखड़ा। बाजेगी शहनाई, बिक जाएगा भाई, बाजेगी शहनाई, बिक जाएगा भाई, एक दिन अपने मन की आशाओं की सुंदर डोली में बैठेगी पहन के, दुल्हन चार गहना, परियों से भी सुंदर ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना, प्यारा सा तेरा मुखड़ा। मैं तुम्हारे दिल की हालत जानता हूं आनंद, मुझे तुमसे हमदर्दी भी है, लेकिन मैं जानता हूं मेरी लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी पे मुझे ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए मिल सकते हैं, लेकिन मेरी जरूरत 5,000 रुपए नहीं, 1,00,000 रुपया है। ठहरो आनंद, नीलिमा की शादी के लिए मैंने कुछ रकम जमा कर रखी है, वो ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी। नहीं सर, यह मेरी अपनी उलझन है, इसमें मैं आपको शरीक करना नहीं चाहता। देखो आनंद, यह रकम भी तो एक तरह से तुम्हारे लिए ही है, तुम इसके हकदार हो, आज नहीं तो कल। कल तो बहुत दूर है सर, मुझे कल की नहीं आज की फिक्र है। तो आप मकान बेचने आए हैं, यानी के माल देने नहीं लेने आए हैं। कहां से आए हैं? बंबई से जी, मैं दीनानाथ जी का बेटा हूँ, उन्होंने 1,00,000 रुपए में अपना मकान आपके पास गिरवी रखा था, ये देखिए कागजात। दीनानाथ जी वो जो टकसाल में काम करते थे? जी हाँ।
मुनीम जी जरा इनका हिसाब तो निकालो। बेटा तो तुम्हारी बहन की शादी है? जी सेठ जी, आपके पास आखिरी आशा लेकर आया हूँ। मजबूरी है वरना बुजुर्गों की निशानी कभी नहीं बेचता। और ये रहा तुम्हारा खाता सेठ जी, सूद मिलाकर 2,10,355 रुपया। सब चौपट हो गया। लाख का मकान, 2 लाख की वसूली, कोर्ट कचहरी का खर्चा अलग, और मुनीम मुझे तो कुर्की लानी पड़ेगी। जी सेठ जी, मगर मेरी बहन की शादी। अरे तेरी बहन की शादी तो किसी धर्मशाला में भी हो जाएगी, पर मेरे 2 लाख का क्या होगा? हे भगवान, मैं तो चौपट हो गया। सेठ जी क्या करता है वड़ी? अरे सेठ जी को तोड़ा आ गया है, अगर वड़ी होश में आ जाएगा तुमको देख लेगा, उसको घाटे के सदमे में वड़ी हार्ट फेल हो जाएगा। जाओ यहां से। अरे जाओ ना, जाता क्यों नहीं है? लेकिन कहां जाओ, यही तो मेरी आखिरी उम्मीद थी। अरे वही चलने में जाओ, जाता क्यों? जाओ, जाओ, जाता नहीं है। सेठ जी वो गया, 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 गया। 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, ये मकान भी आपकी तिजोरी में आ गया है। सभी मुनीम अब क्या करोगे आनंद? सोचा था मकान बेचकर गीता की शादी के लिए 1,00,000 रुपया इकट्ठा कर, उम्मीद की रोशनी की आखिरी किरण भी अंधेरे में डूब गई। अब तो कोई दूसरा रास्ता भी दिखाई नहीं देता, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। क्या, कहां से लाऊं 1,00,000 रुपया? कहां से लाऊं 1,00,000 रुपया के मेरी बहन की शादी हो? क्या करूं, अब क्या होगा? बहन की शादी कैसे होगी? मिस्टर कपूर, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये लाश आनंद ही की है? आनंद एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार एजेंट था, इसलिए कंपनी ने उसका क्लेम 2 ही महीने में ग्रांट कर दिया। बेटी, आनंद की कमी हमारी जिंदगी में कभी पूरी नहीं होगी, भगवान को शायद यही मंजूर था, और शायद इसीलिए वो अपनी पॉलिसी का हकदार तुम्हें बना गया है। बेटी इस पे साइन कर दो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा सकूं। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, मुझे अपने भाई के मौत के पैसे नहीं चाहिए। ये मेरे भैया की जिंदगी की कीमत नहीं हो सकती। नहीं, नहीं चाहिए मुझे। पापा, बेटी मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने दुख को भूलकर गीता को समझाना होगा। पापा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ बेटी, लेकिन गीता की शादी अगर तय की हुई तारीख पर नहीं हुई तो हो सकता है राय साहब अपना फैसला बदल दे, और तुम तो जानती हो गीता की शादी आनंद की आखिरी ख्वाहिश थी। हाँ पापा, आनंद की ये ख्वाहिश पूरी होगी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। ये अंगूठी देख रही हो, तुम्हारे भैया ने पहनाई थी मुझे, एक प्यार के बंधन में बांधा था मुझे, एक अधिकार दिया था, लेकिन आज अगर मैं अपना फर्ज निभा नहीं सकती तो लो छीन लो इस अधिकार को। गीता, आनंद की सबसे बड़ी आरजू तुम्हारी शादी थी, अगर तुम चाहती हो उसकी आत्मा को शांति मिले तुम्हें ये शादी करनी होगी। नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी शादी ही तो भैया की मौत का कारण है। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं। तुम स्वार्थी हो भाभी, तुम्हारे दुखों के सामने आनंद की आरज़ू कुछ भी नहीं। गीता, लड़की की सबसे अजीज मलकियत उसके प्रेम पत्र होते हैं, और आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे हसीन राज
तुम्हारे सामने रखती हूँ, इन्हें पढ़ो। हर खत में एक ही आशा बार बार दोहराई गई है, वो है तुम्हारी शादी। प्रिय नीलिमा, आज तुमसे दूर रहना मुमकिन नहीं, लेकिन गीता की शादी से पहले ये नामुमकिन है। जानेमन, अपनी सिर्फ दो आरजू हैं। पहली आरजू, गीता की टोली उसके ससुराल जाए, और दूसरी आरजू, तुम्हारी टोली मेरे घर आए। सच नीलमा, गीता की शादी से पहले तुम्हें मौत को भी लौटा दो। मुझे माफ कर दो, मैं अपने दुख को भैया की आरजुओं में दफन कर दूंगी। गीता, मैं शादी करूंगी भाभी, मैं शादी करूंगी। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऊर्वारुकमेव वंदनां मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। कोई किरा कांच शाप, अब हम शिव जी के मंदिर में पूजा करके आए शाप, और देखो अब ठीक भी होगा शाप। मगर आप कौन है? अब इस कोठी का चौकीदार है शाप, थोड़ा बहुत दवा दारू भी जानता है, इस वास्ते आपको एक्सीडेंट वाला जगह से उठाकर हम इधर ले आए शाप। और भगवान से बहुत पूजा किया शाप, बहुत तपस्या किया शाप, और भगवान ने हमारा बात सुन लिया शाप। कोई किरा कांच शाप, और दो महीने के बाद आप ठीक भी होगा शाप। दो महीने? क्या दो महीने से मैं यही हूँ? अरे शाह, आप अकेला थोड़ी था इधर, गुरका बहादुर आपके साथ में था शाह। फर्क इतना था, आप सोता था, हम जागता था। मैं समझा नहीं गुरका बहादुर, मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि मेरा किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। अरे बहुत जबरजंग एक्सीडेंट हुआ था शाह, ऐसा एक्सीडेंट तो हमने जिंदगी में आज तक नहीं देखा शाह। कोई कह रहे कांचू शाह, और शाह वो दूसरा आदमी था शाह, वो एकदम मर गया। आपके अंदर थोड़ा जान बाकी था तो गुरका बहादुर आपको उठा कर इधर लाया शाह। मगर जो मर गया, मेरा मतलब वो आदमी था कौन? वो तो नहीं मालूम साहब, पुलिस का गाड़ी आया उसको ले गया, भगवान उसका आत्मा को शांति दे, साहब ऊपर चला गया। लो साहब, आप थोड़ा दूध पियो ना साहब, गर्म गर्म दूध पियो साहब, बहुत कमजोर हो गया साहब, आपको बहुत खुशी होगा साहब, ठीक हो गया, भगवान ने हमारा बात सुन लिया साहब। मैं कह रहा हूं क्या बात साहब, आज 10 जून है। अब बोलो ना साहब, 2 महीने से तो मैं इधर था साहब। फिर तो आज मेरी बहन की शादी है। झिलमिल सितारों में चांद का टुकड़ा नजर आ रही है मेरी बहन। भैया को कितनी तमन्ना थी मुझे इसके बरस में देखने की। आज मेरे भैया, अपने आपको संभालो गीता, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। चलो बेटी। ओम सुमाय स्वाहाय नम, ओम प्रजापते स्वाहाय नम, प्रजापते नम, ओम इंद्राय स्वाहाय नम, इंद्राय नम, ओम भरवा। तुम बहुत खुश हो शब्द साहब, एकदम ठीक समय पर आ गया साहब, गुरका बहादुर को बहुत खुशी होगा साहब। हम सच बोलता है, हम झूठ नहीं बोलता है। चाओ 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 अपने घर के पास, उसको बोलो कि उसका भाई बहुत के दरवाजे से वापस आ गया साहब, उसका आशीर्वाद हो ना। चाओ 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 चाओ। गिन कर देख लीजिए, पूरे लाख रुपए हैं। अरे भाई, अब आपके मरने वाले की आत्मा को धोखा थोड़ी देंगे, और फिर ये तो इनका दिया हुआ वचन। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि आनंद को अपने बाप का वचन पूरा करने के लिए अपनी जान देनी।
आज अगर गुरु का भाई जिंदा होता तो उसे कितनी खुशी होती। वैसे अगर ये मौत ना होती तो ये शादी भी ना होती। उसी के 1 लाख रुपए के इंश्योरेंस से तो ये शादी हो रही है। अच्छा, ए शाप, तुमको क्या हो गया शाप? क्या परेशानी? पुरखा बहादुर को बोलो शाप आपका सब परेशानी दूर करेगा। वही की रकांशु शाप सब परेशानी दूर करेगा। बोलो 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 बोलो। कुछ नहीं गुरखा बहादुर, कुछ नहीं। अपनी बहन को दुल्हन बने हुए देखना चाहता था, सो देख लिया। अब और कोई तमन्ना बाकी नहीं रही। चलो। अरे चलो किधर? तुम अपना बहन का कन्यादान नहीं करेगा, उसको आशीर्वाद नहीं देगा? अरे तुम कैसा भाई है शाप? दुनिया वालों की नजरों में भाई की चिता जल चुकी हुई है गुरखा बहादुर। तुम तो जिंदा है, हम सबको बोल देगा। वही की रकांशु अभी जाके बोलता है सबको लोग। नहीं नहीं गुरखा बहादुर, मेरी जिंदगी मेरी बहन की अरमानों की चिता बन जाएगी। अब मेरी मौत ही मेरी बहन की जिंदगी है। और अपनी इस गुड़िया के लिए मैं एक बार तो क्या, हजार बार मर सकता हूं। तुम बाबुल की गलियों से, भाई की अखियों से, बाबुल की गलियों से जब दूर तुझे ले जाएंगे, बाराती जीवन साथी मत रोना याद करके, बस यूं ही हंसते रहना। परियों से भी सुंदर मेरी बहना, ओ मेरी बहना, प्यारा सा तेरा मुखड़ा, प्यारे से तेरे नैना। परियों से भी सुंदर मेरी बहना, ओ मेरी बहना, मेरी बहना, ओ मेरी बहना। रवि, जानते हो तुम अपने बाप से बातें कर रहे हो? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मैं उस बाप से बात कर रहा हूँ जो अपने बेटे की कीमत वसूल करने की खातिर किसी का घर तक बर्बाद कर सकता है। पिताजी, आपने मेरी और गीता की शादी के लिए जो 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, उसके लिए गीता के भाई को अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर। मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, और यही दुनिया का दस्तूर है। रवि, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बना दिया कि तुम बाप की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हो। और उन एहसानों की कीमत भी आप वसूल कर चुके हैं। जो नोट आपने आनंद की चिता से उठाकर अपनी तिजोरी में रखे हैं, उन पर आनंद के खून के निशान हैं, और वो निशान मेरे पश्चाताप के आंसू से नहीं धुल सकते। मैंने जो कुछ भी किया है उस पर मुझे जरा भी पश्चाताप नहीं, और न कभी होगा। इसलिए मैंने फैसला किया है, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। चलो गीता, एक बार फिर सोच लीजिए, इस तरह घर छोड़कर चले जाना। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है, इस घर का मालिक मैं हूं। इस घर की एक एक ईंट मैंने अपने खून पसीने की कमाई से रखी है। तुम लोग समझते हो कि अगर तुम इस घर में नहीं रहोगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम लोग जा सकते हो, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। चले जाओ। एक बात फिर सोच लो, अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो आज से सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। पिताजी, अब भी आप सोचते हैं कि हमारे बीच कोई रिश्ता बाकी रह गया है तो ये आपकी भूल है। चलो बेटा। चाप, तुमको इस तरह वहां से नहीं आना चाहिए था। शाप, हम फिर भी बोलता है शाप, आपने ठीक नहीं किया। शाप, आपको उधर सब कुछ पता देना मांगता था। मेरे जैसे किस्मत किसी की होगी गुरखा बहादुर? मैं तो आज अपनी ही चिता में सब कुछ जला कर राख कर आया।
अपनी बहन का प्यार, अपनी मोहब्बत, सब कुछ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा शाम, तुम जवान है, दुनिया से टक्कर ले सकता है, लाख रुपया कमा कर इंश्योरेंस वाले को वापिस कर सकता है। नहीं, अब इस देश में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा देश कैसा देश है गुरखा बहादुर? अरे हमारा नेपाल देश बहुत अच्छा देश है साहब। वही की रेखांशू साहब, हम तो इधर अपना भाई का बदली भाई साहब, आपको क्या पता साहब, हमारा इधर जाने के वास्ते हमारा दिल तापता है, आत्मा तापता है साहब, देश जाने के वास्ते। क्या मैं वहां जा सकता हूँ? क्यों नहीं साहब, हमारे देश जाने में कोई झंझट नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं है उधर। वो तो ठीक है, मगर वहां जाने के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत पड़ेगी ना। पैसे का तो जरूरत पड़ता है साहब, तो साहब आपके पास तो बहुत पैसा है साहब, हम आपका पर्स संभाल के रखा है साहब, ये देखो साहब, ये आपका पर्स साहब, आपका पर्स। मेरा पर्स? हाँ साहब, आपका पर्स साहब, जो जख्मी हुआ था ना साहब, तो आपके पास पड़ा हुआ था, कोई कह रहे साहब, हम आदमी लगा साहब, गिन के देख लो साहब। नहीं, ये पर्स तो मेरा नहीं है, शायद उसी का जिसका मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था। देखो देखो, उसका नाम भी लिखा है जॉन। जॉन का तो जान गया ना साहब, अभी तो पर्स साहब का हो गया ना साहब, अभी आप हमारे देश को जाना मांगते हैं साहब, उसमें जितना पैसा है आप आराम से हमारे देश जा सकते हैं साहब, हमारा किसी पक गया साहब। गोरखा बहादुर, नाम शायद तुम ठीक कहते हो, इन पैसों से मैं आराम से तुम्हारे देश पहुंच सकता हूं और नई जिंदगी भी शुरू कर सकता हूं। ये मेरा नया नाम कैसे रहेगा? जॉन। बहुत अच्छा, अरे जॉन तो बहुत फर्स्ट क्लास नाम है साहब, अभी अब जॉन साहब को खिचड़ी खिलाता है और नेपाल भेजने का बंदोबस्त करता है। जॉन। आपने आने में बहुत देर कर दी, सब लोग आपके लिए परेशान थे। मेरे लिए परेशान थे? कौन? वो देखिए, ये काठमांडू ही है ना? जी हाँ, एक्सक्यूज मी। जॉन, आप कौन है? आप? आपका सेवक मिस्टर जॉन माइकल यॉर्क। वो अमेरिकन एक्टर? नो, नेपलीज। आपका सामान कहाँ? सामान? आप मुझे कैसे? डोंट बॉदर, बाकी सब ठीक है। आपका टेलीग्राम थोड़ा देर से मिला, इसलिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर पाया। आई एम वेरी सॉरी। एनी हाउ, चलिए आपका सामान खुद ब खुद पैलेस पहुंच जाएगा। पैलेस? एम्बेसडर, फिएट, व्हाट, सब आपके लिए खड़ी है, बाकी सब ठीक है। वो गाड़ी में? दैट इज टोयोटा, वो भी तो आप ही की है, बाकी सब। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, होल्ड योरसेल्फ मिस्टर जॉन, माय गॉड, आप क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए।
कहीं ऐसा तो नहीं जिस आदमी के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसकी शक्ल मुझसे मिलती हो? आप ठीक समझे। क्यों, क्या फिक्र मत कीजिए मिस्टर जॉन, आपके लिए जिंदा तस्वीरों का भी बंदोबस्त है, बाकी सब ठीक है। सुनो माइकल, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हो? कम ऑन सूजी डार्लिंग, जॉन साहब से मुलाकात करो। कम ऑन, ये लड़की आपकी पर्सनल सेक्रेटरी और ये लड़की इसकी सेक्रेटरी, ये लड़की आपके कपड़ों की देखभाल करेगी। हाँ, अभी नहीं जॉन साहब, अभी नहीं। ये लड़की आपके सेक्रेटरी की भी सेक्रेटरी। कम ऑन गर्ल्स, ड्यूटी करो, बाकी सब ठीक है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन, कम ऑन। मैं आपके हरम में आपका इंतजार कर रहा हूं, बाकी सब ठीक है। आइए जॉन साहब। यहां भी लड़कियां? जॉन साहब, ये आपका हरम है, आपके आराम की हर चीज को यहाँ चुन चुन के रखा गया है, बाकी सब ठीक है। खाइए जॉन साहब, मिठाई खाइए। वंडरफुल आइडिया, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। नेपाली मिठाई है? जी, उठाइए। फूल, फूल जॉन साहब। सॉरी जी, बाकी सब ठीक है। ठीक है ना? हेलो माइकल, ये छोकरी है ना, इसने घूंघट क्यों किया हुआ है? असर हो रहा है, बाकी सब ठीक है। प्यार रहने भी दो, जाने भी दो।
माफ करना जरा मैं। आज आपको हरगिज माफ नहीं किया जा सकता जॉन साहब। हमें आपके आराम का पूरा पूरा ख्याल रखना है। अभी आप आराम कीजिए। अरे 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 अरे, क्यों तंग कर दो बेचारे को? ला मुझे दो। अरे कितना लेजी है, बिल्कुल माँ की तरह। इसे तो स्मार्ट होना चाहिए था, बाप की तरह। हाँ हाँ, तुम्हारा बस चले तो अभी से इसका नाम लिखवा दो पुलिस में, समझे? अरे भाभी, कहाँ थे तुम इतने दिन? फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर ली है ना, इसलिए नहीं आ सकी। नीलिमा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आखिर कब तक मेरा मतलब है? भाभी, तुम जरा अंदर से मुन्ने के लिए दूध की बोतल तो ले आओ। ये क्या किया तुमने? क्यों, क्या हुआ गीता? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू। तुमने नीलिमा को भैया की याद क्यों दिलाई? आई एम सॉरी। क्या क्या सपने देखे थे दोनों ने भैया? गीता, मुन्ने को नींद आ रही है, जाओ सुला दो। भैया, भैया, गीता, ओ गीता, भैया, भैया तुम? हाँ, मैं जिंदा हूँ। आज तुम्हें सुखी देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दुनिया भर की नजरों के सामने तो तुम? दुनिया मेरे बारे में कुछ भी समझे, समझने दो। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें इतना बताने आया हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझना गीता। मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता।
लेकिन तुमसे दूर रह के तुम्हें भूल भी नहीं सकता बहन। इतना याद रखना गीता, एक दिन हवलदार गिरफ्तार कर लो इन्हें। भैया गीता, लगता है आप कोई सपना देख रहे थे इसीलिए डर गए। कहो तो पसीना पोंछ दूं। जी नहीं। आइए जॉनसन, नेपाल की बड़ी बड़ी हस्तियों से तो आप मिल चुके हैं, लेकिन आपने जो पुलिस चैरिटी ट्रस्ट में 1,00,000 रुपया दान दिया था, उस सिलसिले में नेपाल के एक बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर आपसे मिलना चाहते हैं। पुलिस ऑफिसर? हाँ, बाकी सब ठीक है। चलिए मिस्टर थापा, मीट मिस्टर जॉन। वेलकम टू नेपाल मिस्टर जॉन। प्लेजर माइन सर। आपने यहाँ आकर जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है उसके लिए हमें बहुत खुशी है। थैंक यू सर। आप जैसे करोड़पति आदमी फॉरेन का सारा बिजनेस समेट कर नेपाल की धरती को अपना वतन बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। आपका सहयोग? सच पूछिए तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है। क्या मतलब? जॉन साहब, मुझे काम चाहिए। कितनी मेहनत और लगन से मैंने ये सब सोना इकट्ठा किया, तुम सारे से मिट्टी कर देना चाहते हो? जॉन साहब, सोने के दरवाजे तैयार हैं, मडगार्ड और छत का काम पहले ही पूरा हो चुका है, बाकी। जॉन साहब, ये रजिस्ट्रेशन कागजात हैं, आप इन पर दस्तखत कर दीजिए, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर लो, कमजोर लोगों का है। अहे तारी वाट, आई वांट टू इट पक्का। मिस्टर उल्लू, कम यहां, कम यहां। भारत की पुलिस को मेरे बिजनेस पे शक हो गया, जॉन पे शक हो गया, इसलिए मुझे एक नकली जॉन बनाना पड़ा। उस दिन मैं अपने गद्दार साथी पीटर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल में जा रहा था, चीता भी मेरे साथ था। अचानक मेरी नजर एक एक्सीडेंट पर पड़ी, एक आदमी बुरी तरह से जख्मी पड़ा हुआ था। मैं जानता था भारत की पुलिस को मेरी तलाश है, और मुझे उस आदमी की तलाश थी जिसे वक्त आने पर मैं नकली जॉन बनाकर पुलिस के हवाले कर सकूं। मैंने पीटर की लाश का हुलिया बिगाड़ कर उसे वहीं छोड़ दिया, और आनंद को 2 महीनों तक बेहोश रखने के बाद जॉन के नाम से उसे यहाँ भेज दिया। इसकी शक्ल भी बिगाड़ दो ताकि इसे कोई पहचान ले न पाए, और इससे पहले कि पुलिस को मालूम हो जाए कि सर असली कौन है नकली कौन है, मैं अपना सारा सोना यहाँ से लेकर भाग जाना चाहता हूँ, समझे आप? आपका मास्टर प्लान कभी फ्लॉप हो सकता है? पंछी को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, नेपाल की बड़ी बड़ी हस्तियों में उसे जॉन के नाम से मशहूर कर दिया गया है, किसी के फरिश्ते तक को पता नहीं चल सकता कि असली जॉन कौन है। बाकी सब ठीक है बॉस। असली जॉन के फरिश्ते भी किसी शैतान से कम नहीं है। अब भारत की पुलिस अगर जॉन की तलाश में यहां तक पहुंच भी जाए तो उनका जॉन तो पैलेस में है। मम्मी क्रिया कांची गोरखा बहादुर नेपाली बनकर जॉन के सामने रहेगा, अंडरस्टैंड माय बॉय? फैंटास्टिक बॉस, यू आर अ जीनियस। क्या तरकीब सोची है, अब आप पर कौन उंगली उठा सकता है बॉस? बाकी सब ठीक है। अब हमें बहुत ही होशियारी से काम लेना होगा, उसे बिल्कुल भी शक न होने पाए कि हम किस मकसद से उसे यहाँ लाए हैं। आइटम नंबर 2, नए पार्सल का क्या हुआ? वो तो भारत की सरहद पार करके कब का बंबई पहुंच चुका होगा बॉस, बाकी सब ठीक है।
अभी तक नहीं आया। आप लोग ने क्या सोचा? सर, मेरे ख्याल में ये काम किसी एक ग्रोह का नहीं, इसके पीछे जरूर बहुत से लोगों का हाथ है। सर, जहां तक मेरी स्टडी है, ये पिछले कुछ दिनों से अचानक ही हमारे देश में इन जाली नोटों की भरमार शुरू हो गई, और नतीजा ये कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मार्केट से असली नोट गायब होते जा रहे हैं। ब्लैक मार्केट, काला धंधा और काला बाजार करने वाले लोग दोनों हाथ से सोना समेट रहे हैं, और आप हमारा मुंह देखते रहे। सर, यस, अगर आप इजाजत दें, जिन लोगों को हमने शक के बिना पर गिरफ्तार किया है, उन पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करें। कोई फायदा नहीं। ओह, यू मिस्टर रवि खन्ना। सॉरी सर, आई एम लेट, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया। जो काम आपने सौंपा था, ये उसकी रिपोर्ट। Oh God, with your points now. Point number one, आप लोगों का ख्याल है कि ये काम किसी एक गिरोह का नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काम सिर्फ एक गिरोह का है, और इसका अड्डा भी हमारे देश में नहीं है। सबूत, सबूत के लिए ये नोट देखिए। इन जाली नोटों को जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमारे देश में नहीं मिलते, और कोई भी स्मगलर इन केमिकल्स को इतनी ज्यादा तादाद में स्मगल करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसे खुद को खतरा है। एक खास बात और, इन जाली नोटों की सिर्फ फ्रंट साइड ही हमारी असली नोटों से सही सही मिलती, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास सिर्फ एक ही सही डाई है, वो भी फ्रंट साइड की। बाकी पॉइंट नंबर 3, 4, 5 और 6 मेरी सीक्रेट रिपोर्ट में है, आप लोगों के सामने। गुड बाय सर एंड गुड डे जेंटलमैन। मिस्टर खन्ना। सर, मैंने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी। सॉरी सर, एक पॉइंट और है। पॉइंट ये है कि आज से इस केस के इंचार्ज तुम हो। सर, बेस्ट ऑफ लक। गुड लक मिस्टर खन्ना, बेस्ट ऑफ लक। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। यह है नेपाल का मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर। कहते हैं इनसे इंसान जो कुछ मांगता है उसे मिल जाता है। सच? मैं जो कुछ भी मांगूंगा मुझे मिल जाएगा? बिल्कुल। मगर मैंने ये सब तो नहीं मांगा था। बस हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए जॉन साहब। वो तो हमेशा है आप लोगों से। जॉन साहब, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा। नेपाल में ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आनंद, आनंद। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आनंद भैया जिंदा होते तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें मुझसे दूर नहीं रख सकती थी। और फिर भाभी, तुम तो जानती हो, वो केवल मेरे भाई ही नहीं बल्कि मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे सब कुछ थे। वो मेरे बगैर तो वो एक पल के लिए भी नहीं रह सकते थे। और फिर मेरी शादी तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। ये उनका अरमान था कि मेरी शादी धूमधाम से हो, वो नाचे गाए पागलों की तरह खुशियां मनाए। फिर ये कैसे मुमकिन है भाभी कि भैया जिंदा हो और अपनी बहन का कन्यादान करने ना आए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाभी। मैंने भी अपने आप से ये सवाल बार बार पूछा, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला कि वो मेरा आनंद है, जिसे लोग मिस्टर जॉन कहकर पुकार रहे थे। मैं कहती हूं तुम्हें धोखा हुआ है भाभी। धोखा? गीता आनंद को पहचाने में मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। उनकी सांसों की खुशबू, उनके जिस्म की महक मुझ में समाई हुई है। वो लोगों के लिए जॉन हो सकते, मेरे लिए नहीं। लेकिन मेरे भैया जॉन क्यों बनेंगे भाभी? ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो आनंद ही है और कोई नहीं, कोई नहीं। दिल तो मेरा भी चाहता है अभी कि तुम्हारी बात मान लूं, लेकिन लेकिन भैया का अंतिम संस्कार। गीता,
लिए शुभ बातें मत कहो। अनंत जिंदा है, वो जॉन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गीता, वो जॉन नहीं है। देखो, मैं जानता हूं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे तुम्हारी कोई मजबूरी है और कानून तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं तुम्हें नई जिंदगी दे सकता हूं। बोलो, क्या रैकेट है तुम्हारा? नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं बचा सकता, वो लोग मुझे मार डालेंगे। यहां तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बोलो, मुझे कुछ नहीं मारो। राम सिंह। यस सर। इसे ले जाओ और इसकी कोठरी में बंद कर दो। जान तक पहुंचना कोई गुड़ियों का खेल नहीं, वो कम वक्त हमारे लिए एक मिट्टी का खिलौना था जो भारत की पुलिस के हाथों से गिरकर टूट गया। लेकिन बॉस, कितने का पार्सल था? 2 लाख रुपए के नोटों का। 4 लाख नोट और प्रिंट करो। अरे हाँ, और हमें मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए जश्न भी तो मनाना चाहिए। बीवी थी उसकी? जी। बहुत खूबसूरत है? हाँ बस। वेरी गुड। किरे भी बहुत ही खूबसूरत है, एक बच्चा भी है उसका, पिछले महीने उसका जन्म हुआ। वेरी नाइस। तो बीवी को हैरम मिल जाओ और बच्चे को यतीम खाने में भर्ती कर दो, बाकी उसकी किस्मत। बॉस, वेरी सिंपल मैन। बीवी को हरम में ले आओ, बच्चे को यतीम खाने में भर्ती कर दो, बाकी उसकी किस्मत। मारिया। नो। मारिया। फादर। बेटा, अब तुम्हारी बीवी को दवा की जरूरत नहीं, उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की जरूरत है। God will help him. आज तक मैं गरीबी से लड़ता रहा, लेकिन आज मैं खुद गॉड से फैसला करके रहूंगा। मैं तुम्हें उठा कर लाया था, तुम उस दुनिया को भूल जाओ, इस दुनिया ने तुमको कुछ नहीं दिया था। बॉस, तुम्हारी बीवी बिना इलाज के मर गई, कमी थी दौलत की, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया की सूरत नहीं देख सका, कमी थी दौलत की, लेकिन आज तुम उस दुनिया में हो जहां दौलत की कोई कमी नहीं, दौलत के अंबार लगे हुए हैं। तो फिर हम किस बात का? Have a damn good time, enjoy yourself, my friend. जॉन को तुम्हारी जान की जरूरत है। I love you. बस बस। Drink. Oh, Susie, darling, you're wonderful. Come on, love, have a drink. Have a drink. It's a tranquilizer. It'll do you good. Good for you. सर, नेपाल से जो आपने फाइल मंगाई थी वो ये है। थैंक यू। ये तो आनंद की फोटो है, इसका मतलब है नीलिमा सच कह रही थी। मिस्टर शर्मा। यस सर। काठमांडू प्लेन कितने बजे जाता है? आप जा रहे हैं सर? दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, मुझे फॉरन इंफॉर्मेशन चाहिए। योर अटेंशन प्लीज, रॉयल नेपाल एयरलाइंस अनाउंसेस द डिपार्चर ऑफ देयर फ्लाइट फॉर दिल्ली, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड फॉर कस्टम चेकिंग। एक बात समझ नहीं आई रवि, तुमने गीता और बच्चे को अलग दूसरी गाड़ी में क्यों भेज दिया?
इसलिए यहां हर कदम पर हमें होशियार रहना है। मिस्टर खन्ना, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मिस्टर जॉन को शिकार बनाने से पहले आप अपना निशाना मजबूत कर लीजिए। वैसे तो हम भारत सरकार की मदद करना अपना फर्ज समझते हैं और हमें खुशी होगी कि हम एक दूसरे काम आ सके, बशर्ते काम आने वाली बात हो। मिस्टर जॉन नेपाल में कितने दिनों से हैं? 13 महीने पहले वो यहां आए थे। और इन 13 महीनों से पहले? जी मेरा ख्याल है, ख्याल से काम नहीं चलेगा मिस्टर थापा, यकीन से कहिए। ये तो कोई नहीं जानता वो कहां थे, लेकिन लोगों का ख्याल है कि फिर ख्याल इस बारे में तो लोगों का ख्याल ही है कि वो विदेश में थे। आपको ख्याल होगा मिस्टर थापा, मैंने एक फाइल के लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी। जस्ट अ मोमेंट। आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? जी 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 जी, यूं ही जरा तबीयत ठीक नहीं थी। बैठिए ना, बैठिए। थैंक यू। फरमाइए। यूं ही जरा इंश्योरेंस के बारे में आपसे कुछ बातें करनी थी। इंश्योरेंस के बारे में? क्या आपको पता चल गया कि मैं पुलिस वालों की नजरों से कोई चीज बच नहीं सकती। आपकी जिस गाड़ी का बॉम्बे में एक्सीडेंट हुआ था उसका क्लेम पास हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट, मुझे याद आया। यहां साइन कर दीजिए। क्या सोच रहे हैं? जी यूं ही यूं ही। अब तो आपको मेरी बात पर यकीन आया मिस्टर थापा। ये देखिए, आपके सामने दो अलग अलग सिग्नेचर्स हैं, लेकिन नाम एक ही आदमी का है, जॉन। मिस्टर थापा, ये उस जॉन के दस्तखत हैं जिसे आपकी हुकूमत ने कुछ दिन पहले आपके पास भेजे थे, और ये उस जॉन के दस्तखत हैं जिसे मेरी प्लान के मुताबिक आप खुद जाकर लाए थे। मिस्टर थापा, अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि इसमें असली जॉन कौन है और नकली कौन है, क्योंकि असली जॉन को आज तक किसी ने देखा नहीं। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ रवि, जिस जॉन को मैंने देखा है वो जॉन नहीं, आनंद ही है। अगर वो आनंद है तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस वजह से वो मिस्टर जॉन बना हुआ है? वो जॉन बना हुआ नहीं मिस्टर थापा, बनाया गया है। शायद इसलिए कि असली जॉन उसे कंधे पर बंदूक रखकर खुद गुमनाम रखना चाहता है। तो फिर आनंद को गिरफ्तार क्यों ना कर ले? आनंद को तो किसी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ऐसी चाल चलनी है जिससे असली मुजरिम को जरा भी शक ना हो। लेकिन किसी भी मुजरिम को इस तरह ढील देना भी तो ठीक नहीं। और अगर वो आनंद है तो उसकी जिंदगी भी तलवार की धार पे कट रही होगी। अगर आनंद मुसीबत में है तो हमें उसके पास जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसे सब कुछ बता देना चाहिए। बाय द वे मिस्टर थापा, यस, आपके पास कोई ऐसा आदमी है जिस पर हम पूरा भरोसा कर सकें और उसको जॉन के पैलेस में भेजकर वहां की सारी खबर हम ले सकें? यस, व्हाई नॉट मिस्टर सिंह। यस सर। मिस्टर रवि, ये हमारे बहुत काबिल अफसर हैं, आप इन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। हेलो मिस्टर सिंह, मेरे साथ आइए। वेलकम वेलकम इंस्पेक्टर साहब, आज आप लोगों ने हमारे यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? मिस्टर माइकल, एक बहुत बड़ा खतरनाक खूनी अभी अभी खून करके इस तरह भाग आया। हमने उसे आपके मकान की दीवार फान के अंदर आते हुए देखा। क्या उसे आपने देखा है? पाँ पीछे। मेरा मतलब है जूते उतार दीजिए, कारपेट है ना। बाकी सब ठीक है। उतारिए प्लीज, आई एम सॉरी टू ट्रबल यू, मगर मुझे करना ही पड़ा ये। उतारिए इंस्पेक्टर साहब, अब चाहे तो तलाशी ले सकते हैं। थैंक यू मिस्टर माइकल, चलो चलो। कौन छुपा है अभी देखता हूं। फिकर मत करो, सब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने मेरी जान बचाई। अभी जान तुम्हारी पूरी तरह बची नहीं, मेरी तरह जल्दी जल्दी करो, तुम जो भी हो तुमसे बाद में निपटूंगा, छिप जाओ इस तरफ जल्दी। इंस्पेक्टर, नहीं मिला ना? सॉरी मिस्टर माइकल, हमने आपको बहुत तकलीफ दिया। कोई बात नहीं, मगर संभाल कर रहिएगा, मुजरिम बहुत खतरनाक है। अगर मुजरिम खतरनाक है इंस्पेक्टर, तो वो सही जगह पर पहुंच गया। मेरा मतलब है सही जगह पहुंच जाएगा, बाकी सब ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर माइकल। गुड नाइट। इंस्पेक्टर, अपने जूते ले जाना मत भूलिएगा। आउट। आजा। अबे डरता क्यों है, बॉस से कह के कुछ काम दिलवाऊंगा। है चल। भैया, मैं
नहीं पहचान रहे हो? मैं गीता हूँ, तुम्हारी बहन हूँ मैं। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मेरी कोई बहन नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? इस कलाई पर कई बार ये बहन अपने हाथों से राखी बांध चुकी है, अब यही हाथ मेरे सर पर रखकर कसम खाओ, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं? कसम खाओ। ए लड़की, हटो यहाँ से। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना, मैं बहुत दूर से आई हूँ, बड़ी आस लेकर आई हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ तुम इस तरह मानोगी नहीं। माइकल, ये कोई भी हो मगर आपकी बहन नहीं हो सकती। जॉन साहब, आप नहीं जानते, जॉन साहब ऐसी लड़कियों का धंधा ही ये है, बड़े आदमियों को देखकर उनके गले पड़ जाती हैं और रोने का नाटक करती हैं। तू काहे रोती है, हर आंसू मोती है, तू काहे रोती है, हर आंसू मोती है, इस मोती की कीमत क्या जाने, अनजाने बेगाने बदलेगी तेरी किस्मत, सच होगा मेरा कहना, परियों से भी सुंदर ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना, प्यारा सा तेरा मुखड़ा। कुदरत ने मेरे भैया को छीनकर मुझे वापस तो कर दिया है पिताजी, लेकिन वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। न जाने भैया को क्या हो गया है, वो इतना क्यों बदल गया है। तो ये दीनानाथ की लड़की है, बाकी सब ठीक है। गुड न्यूज बॉस। कुछ पकोगे भी, व्हाट्स द गुड न्यूज? ये लड़की उसी दीनानाथ की बेटी है जिसको हमने 10 साल पहले कलकत्ते की टकसाल से गायब किया था। इस दाने से तो कबूतर भी खुशी से जाल में आ जाएगा। यू आर राइट बॉस, यू आर राइट, बाकी सब। आज गीता को यहाँ देखकर दिल तड़प उठा, इसका मतलब है रवि भी उसके साथ यहाँ जरूर आया होगा। गीता बहुत दुखी होगी, आज जो मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं करता भी क्या, माइकल जो मेरे साथ था, अब मुझे गीता और रवि से मिलकर सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। That's my golden baby, my golden baby. जॉन साहब, माइकल का टेलीफोन। राज माइकल। बॉस, जॉन पहले से फरार हो गया है, खबर मिली है किसी ने उसे पाटन की तरफ जाते हुए देखा है। That bloody skunk, go get him, अभी जॉन को भेजता हूँ। कौन हो तुम?
आपका गुलाम चीता। चीता? जी हाँ चीता। आप बाहर आइए सर, आप घर कैसे आ गए? आपका आराम करने का कमरा तो सामने है। और ये प्रेस? जॉन साहब आप ही का है, लेकिन आपके और क्या धंधे हैं कि कौन कौन से याद रखेंगे? आप अपने कमरे में चलिए, मैं आपके लिए कॉफी का इंतजाम करता हूँ। यस सर। कॉफी। गुड मॉर्निंग जॉन साहब। साहब कॉफी। आनंद मेरा बेटा। पिताजी, पिताजी आप हिस्से की डाई बना सके, मुझे मुर्दा साबित करके यहां पकड़ लाए, मुझ पर क्या क्या जुल्म नहीं किए, लेकिन मैंने इनके लिए डाई नहीं बनाई, नहीं बनाई। मैं अपने मुल्क के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, भले ये मुझे चार से मार डाले। बेटा, वैसे तो मैं उसी दिन मर गया था इन बदमाशों ने मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए थे। आज तुम्हें देख लिया बेटा, तुम्हें देख लिया। अब मैं जिंदा रहूंगा। मेरी बेटी गीता बेटी कैसी है? उसकी हाँ बेटा जी, उसकी शादी हो गई है। उसकी शादी हो गई है रवि के साथ। अब वो बहुत खुश है। पिताजी, क्या आप जानते हैं इस गैंग का लीडर कौन है? एक शैतान है बेटा, जिसका नाम है जॉन। बेटा आनंद, बेटा बेटा आनंद। बॉस ने कहा था बाप को बेटे के दर्शन करवा देना, शायद उसके होश ठिकाने पे आ जाएं। अगर तुमने बॉस के कहने के मुताबिक अब भी नोट के दूसरे हिस्से की डाई ना बनाई तो तुम्हारे बेटे की लाश तुम तक पहुंच जाएगी। आनंद इतने बरसों के बाद तूने मुझे मेरे बाप से मिलाया, फिर ये खुशी देकर तूने मुझसे छीन क्यों ली? शक्ति दो, मुझे शक्ति दो मां, के मैं उस पापी देशद्रोही के शिकंजे से अपने बाप और देश की रक्षा कर सकूं। शक्ति दे मां। चेंज स्टार्ट। लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हमारी तबीयत ठीक नहीं है या तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है? कम ऑन यू बम, हरी अप, कम ऑन। जॉन साहब, आपका कोट। आउट, आउट योर बम। Hey, तुम कहां जा रही हो? ओहो, कमे माय स्वीटहार्ट, कमे कमे, डरो मत, या बैठो या बैठो।
क्या नाम है तुम्हारा? जी सूजी। सूजी बहुत अच्छा नाम है। कब से यहाँ काम करती हो? कुछ ही दिन में। कुछ ही दिनों से? किसके लिए काम करती हो? किसके लिए काम करती हो? जी आपके लिए। झूठ! सच बताओ ये जॉन कौन है? आप ही तो जॉन साहब हैं। फिर झूठ! बताओ कौन है ये जॉन जिसका नकली नोट छापने का धंधा है? मैं नहीं जानती। कहाँ है उसका प्रेस? बताओ वरना मार मार के धजिया उड़ा दूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम सब कुछ जानती हो। कहाँ है सब नमक हराम? मेरा कोट कहाँ है? Where's my coat? मिस्टर जॉन, ये रहा आपका कोट। Yes? मिस्टर जॉन, आपके लिए एक बुरी खबर है। Out. कल रात आपके फार्म में एक लड़की की लाश पाई गई। क्या? कहते हैं उसने खुदकुशी की है। नहीं। जी हाँ, और ताजुब की बात तो ये है कि कुछ ही दिन पहले इस लड़की के पति को भारत के एक पुलिस स्टेशन में किसी ने गोली मार दी। मिस्टर जॉन, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हम इस बारे में छानबीन कर रहे हैं। Have faith in नेपाल पुलिस। See you later. Good luck. लेकिन गुरखा बहादुर, तुम यहाँ? अरे शाह, बंबई तो हम अपना भाई के बदले में गया था। कल ही हम नेपाल देश को आया। बाकी क्रांचू शाह, हम बहुत खुश हो गया। इतना बड़ा गाड़ी आपके पास साहब? कौन सा गाड़ी? आप तो अमीर आदमी बन गए साहब। गुरखा बहादुर, आओ मेरे साथ, तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम मेरा नेपाल देश में अगर दुखिया साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमको बोला हम तुम्हारा दुख दूर कर देगा। ये गाड़ी, ये शान और शौकत, ये जो कुछ तुम देख रहे हो गोरखा बहादुर, ये सब मेरा है भी और नहीं भी। तुम कैसे बात करता है साहब? गोल गोल बात करता है, सीधे सीधे बात करो ना। तुम तो जानते हो गोरखा बहादुर, अपने देश से मैं एक तमन्ना लेकर निकला था। सोचा था लाख रुपया कमाकर अपने माथे से अपने मौत का दाग धो दूंगा। लेकिन इस देश में आकर मैं तो एक और उलझन में फंस गया हूं। मैंने अपनी जिंदगी बदलने के लिए अपना नाम बदला था जॉन, लेकिन गोरखा बहादुर तुम जानते हो जॉन किस कमीने का नाम है? कौन आराम सदा है वो? देखा नहीं है उसे, लेकिन उसे मिलने की बहुत तमन्ना है। गोरखा बहादुर, एक बार वो कमीना मेरे सामने आ जाए तो उस कंबक की धज्जियां उड़ा दूंगा। कहां है वो सरा? हम भी सरा जाते को मार डालेगा। नहीं गोरखा बहादुर, तुम नहीं जानते, वो जाली नोट छापने का धंधा करता है और ना जाने कितने कितने गलत काम करता है। वो हमारे ही देश का नहीं, इस देश का भी दुश्मन है। नेपाल देश का दुश्मन है? हाँ। खुकली की नहीं। तू पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करता? हमारे नेपाल देश की पुलिस बहुत होशियार है। तुमने करता तो हम रिपोर्ट करता है। पुलिस, 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 पुलिस। नहीं, बात सुनो, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। बरसों से उस कमीने ने मेरे पिताजी को कैद में रखा है, और अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो वो मैं समझ गया साहब, वो तुम्हारे बाप को मार डालेगा। इसलिए जब तक असली जॉन तुम्हारे सामने नहीं आ जाता, तुम कुछ भी नहीं कर सकते साहब, तुम कुछ भी नहीं कर सकता। उसी की तो तलाश है मुझे। हम तुम्हारा सहायता करेगा साहब। कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि एक ना एक दिन वो मेरे सामने जरूर आएगा। जरूर आएगा साहब, जरूर आएगा। हम भगवान पशुपतिनाथ को प्रार्थना करेगा, वो जरूर आएगा। और जिस दिन वो मेरे सामने आ गया, उसकी जिंदगी का या मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ऐसे चलेगा साहब, तुम हमारे साथ चलो। Michael, what a surprise, what a surprise. Here we are, man. How are you? How are you, my boy? Boss, मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। Michael, तो तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा, तो तुम क्या करोगे? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा बॉस। आप हंस क्यों रहे बॉस? तुम नहीं समझोगे, आपकी ऊपर की मंजिल खाली है और ये जरा ऊंची बात है। ओ, समझ गया बॉस, आप कबूतर को दाना डालने गए थे। लेकिन बॉस, आज के लिए कबूतर बाज बनने की कोशिश कर। मैं जानता हूँ, चाबुक से बात कर। मैं भी जानता हूँ बेचारा, आपने बाप से मिलकर तड़प उठा है, तड़प उठा है। और मैं उस दिन की इंतजार कर रहा हूँ जब तक मेरी सोने की वैन बनकर तैयार नहीं हो जाती। मेरा काम बन जाएगा तो
तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। सिंपल, तब तक आपको जरा कुछ तकलीफ उठाने पड़ेंगे, जरा कुछ थप्पड़ खाने पड़ेंगे, हंटर खाने पड़ेंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा। महिला माय स्वीट हार्ट माय स्वीटी पाई हैव अ नाइस स्मोक। ये रहे जॉन की हरम की एल्बम, बड़े मुश्किल से उठा लाया। थैंक यू मिस्टर सिंह, ये अपने प्लान के लिए बड़े काम की चीज है। नीलिमा, हमारे मास्टर प्लान की कामयाबी अब सिर्फ तुम्हारी हिम्मत पर है। एक बार फिर सोच लिया मिस्टर खन्ना, वो लोग बहुत खतरनाक आदमी है और आप नीलिमा देवी को वहां भेजना चाहते हैं। मिस्टर सिंह, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इतना जरूर है कि एक बार नीलिमा को देखने के बाद असली जॉन नीलिमा के असली जाने की कोशिश करेगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार असली जॉन नीलिमा के सामने आ जाए ना, नीलिमा सब कुछ संभाल लेगी। मुश्किल सिर्फ ये है कि असली जॉन के हरम तक नीलिमा को कैसे पहुंचाया जाए। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, नीलिमा के हरम तक पहुंचाने का काम मिस्टर सिंह का है। वंडरफुल। नीलिमा तुम तैयार हो ना? आनंद की जिंदगी की खातिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चुराया।
चंदन, कंबल के नीचे एक लड़की है, मुझे फौरन हमारे सामने पेश करो। आप जानना चाहते हैं लड़की कौन है? अरे अपन, अरे आप। यस बॉस। अब तो सही जगह पर पहुंच गए चमचो, पट्टी तो खोलो। वंडरफुल, बिल्कुल ऐसी जगह थी जो मैंने सपनों में देखी थी। सपनों की दुनिया से बाहर आओ मैडम, जानती हो तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम अभी कच्चे खिलाड़ी हो उस्ताद, शर्त तुम्हें मालूम नहीं। मेरा जन्म बिल्कुल ऐसी जगह पर हुआ था जहाँ जाली नोट छप रहे। अच्छा चमचे एक बात बता, ये तेरे बॉस का है मिस्टर जॉन? और जस जॉन, माय नेम इज जॉन लॉ। और तेज हो लाल लगाम, कहाँ से आई? ये तो आपका चमचा ही बताएगा कि मुझे कहाँ से लाया है। वैसे रास्ते पर इन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी, आपको कहीं देखा है। वो धंधा एक ही है, कहीं ना कहीं जरूर टकरा गए होंगे। कहना क्या चाहती हैं आप? सच कहूँ या झूठ? तुम कहो तो सही, झूठ या सच का पता हम लगा लेंगे। That's my department now. आपको कुछ कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा। Don't be smart. आपके चमचे? Come into my privacy. ये क्या है? 100 का नोट? ये 100 का नोट नहीं, उसकी डाई की प्रिंट है। What do you mean? Very simple. ये आपके जाली नोट की दूसरी साइड है जो आपके पास सही नहीं है। Very interesting indeed. लेकिन इसकी असली डाई मेरे बॉस के पास है। कहाँ है आपका बॉस? है तो इसी शहर में, लेकिन आजकल जरा पर्दे में है। दरअसल दिल्ली की पूरी हुकूमत को उसे प्यार हो गया, पूरी मिनिस्ट्रीज की तलाश में। अब आप इसे पढ़िए। तो आपके बॉस इस वक्त हवालात में है? जी नहीं, हम दोनों बाहर हैं। मैं आपके सामने हूँ और मेरे बॉस भारत पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर इस वक्त नेपाल की पुलिस से निपट रहे हैं। क्या बात है, आपके बॉस काफी मशहूर हस्ती है अनिल कुमार। यू आर राइट, हर मशहूर हस्ती एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहती है, इसलिए मेरा आपके पास आना हुआ। अगर आप चाहें तो आपकी नोट की डाई और हमारी नोट की डाई मिलाकर हम लोग जमाने को लूट सकते हैं। तुम्हारे बॉस इस वक्त कहाँ मिलेंगे? कल स्वयंभू के मंदिर में, लेकिन वो आपसे मिलेंगे, आपके चमचों से नहीं। अगर हमारे साथ कुछ धोखा वोखा हुआ तो? सवाल ही नहीं पैदा होता। एक चोर दूसरे चोर को धंधे में कभी धोखा नहीं देता। वेरी गुड इंडीड, वेरी गुड इंडीड, ऑनेस्ट बर्गलर्स। रंगों की छाओ धूप में वो आया है नए रूप में, रंगों की छाओ धूप में वो आया है नए रूप में, वो है एक बहरूपिया, उसे जान लो पहचान लो, उसे जान लो पहचान लो।
दुश्मन हे हे सुलझा दी आंखों ने दिल की उलझन। हाँ हाँ यही तो है हम सबका दुश्मन। इसकी सब कहानियां इसकी है निशानियां। उसे जान लो पहचान लो। जान लो पहचान लो। तुम ढोंगी हो तो हम भी कुछ कम नहीं। जाल बिछाया है तो हम नहीं। हे हे तुम ढोंगी हो तो हम भी कुछ कम नहीं। तुमने जाल बिछाया है तो हम नहीं। इन बातों में दम नहीं। डरने वाले हम नहीं। हम जान लो पहचान लो। रंगों की छाँव धूप में मैं आया हूँ नए रूप में। और मैं हूँ एक बहरूपिया। हमें जान लो पहचान लो। हमें जान लो पहचान लो। दोनों को संभालो। आवाज निकले तो गला दबा लो।
मुलाकात कर ली अपने बेटे से? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, नहीं तो तुम्हारे पास वक्त नहीं और मैं मुद्दत से इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। आपका नाम भी जॉन है और मेरा भी, अब देखना किस जॉन की जान बचती है। मैं कीरा कंच पुलिस नहीं पकड़ सकी, कठमांडू पुलिस क्या पकड़ेगी हमको? क्या समझा अपने आप का? आफ्टर ऑल माय नेम इज जॉन लॉर्ड। या बस बस यस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी तैयार हो कि नहीं? हाँ साहब, गाड़ी तैयार है, आप आसानी से बॉर्डर पार कर सकते हैं। वेरी गुड। अबे कोई सलाह, माय नेम इज जॉन लॉर्ड। एक एक कुत्ता ने दिखा देंगे। बॉस बॉस, इनका भी कुछ फैसला कीजिए, बेचारे बहुत जल्दी में है। इनका फैसला बॉस, ये बेटी और ये बाप दोनों भागने की कोशिश में, अगर आप कहें तो kill them, extricate them, माना सलम भस्म कर दो ताकि कोई भी जिंदा ना बचे। हेलो, जल्दी हरी अप। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मुई कीरा कंचो, कौन सी मौत पसंद करेंगे आप? वैसे तुम जैसे सुअर की खाल खींचकर इस पेड़ पर लटका देनी चाहिए। तुम्हें जिंदा देखकर हमें तुम पर बहुत तरस आ रहा दरकुरदार। तब अच्छा हुआ एक दफा फिर से मुलाकात तो हो गई। मुलाकात तो अब होगी, तुम्हारी जिंदगी के कुछ ही लम्हे बाकी रह गए। मिस्टर जॉन, कोई आखिरी तमन्ना? तुम्हारे फरिश्ते आ गए। माय नेम इज जॉन लॉर्ड, एंड प्लीज हुई थी। हाथ ऊपर करो, पुलिस भी तुम्हारे स्वागत के लिए आई रही होगी। एक चोर दूसरे चोर को कभी धोखा नहीं देता, यही कहा था ना तुमने? मैंने कहा था माय नेम इज जॉन लॉर्ड। अब बोल छोकरी,
तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए या तुझे छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए, माफ करना बॉस, निशाना जरा चूक गया। पत्थर आपकी खोपड़ी की बजाय पिस्तौल पे जा लगा।
डॉक्टर साहब यही है वो आदमी जिसने मेरे पिताजी की जिंदगी बर्बाद की और मुझे मुजरिम बनने पर मजबूर किया। ले जाइए इसे। आपकी बहुत तारीफ सुनी थी। चलिए मिस्टर जॉन। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई साहब। मेरा नाम जॉन लॉर्ड है। आपने बहुत तकलीफ उठाई मुझे पकड़ने के लिए साहब। इसके अंदर एक छोटी सी विनती है साहब, मुझे फर्स्ट क्लास जेल में रखा जाए साहब। और खाने पीने का मुझे बहुत शौक है, इसलिए खाने पीने का मेरा ख्याल रखा जाए साहब। आज आपने बहुत खुद तोड़ा, मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, इसके डॉक्टर का इंतजाम फौरन किया जाए साहब। और अपने खटमंडू में रात को काजू किशमिश कद्दू करेला सबका सेवन किया करता था, हो सके तो वो सब सप्लाई करता मेरे को साहब। हाँ साहब, मैंने तो इस ढोंगी ने अपना कर्तव्य पूरा किया। और आप लोग पुलिस वालों अपना कर्तव्य पूरा करो। मुझको भी गिरफ्तार कर लीजिए, मैं भी एक मुजरिम हूं, बाकी सब ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है, चल। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रवि, ये है मिस्टर जॉन की कार। शुक्रिया तो मुझे आपकी सरकार का अदा करना चाहिए, जिसकी सहायता के बगैर हम यहां कुछ नहीं कर सकते थे। ये तो हमारा फर्ज था मिस्टर रवि। हमें भी शक था कि ऐसी कौन सी हस्ती है जो हमारे देश में रहकर आपके देश के साथ गद्दारी कर रहा हो। हमें खुशी है कि इस मुजरिम की गिरफ्तारी से हमारे और आपके देश के संबंध और मजबूत हो गए। मिस्टर थापा, हमें उम्मीद है कि आइंदा हम एक दूसरे से इसी तरह कोऑपरेट करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। रवि, पिताजी, ये है गीता के पति रवि। खुश रहो बेटा, खुश रहो। इंस्पेक्टर साहब, आपका मुजरिम आपके सामने है, आप खुशी से मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। आनंद, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम देश के इतने खतरनाक दुश्मन को पकड़ सके। मैं कोशिश करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार तुम्हें माफ कर दे। नीलिमा, मुंह क्या देख रही हो? पिताजी के पहुंचो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। फिर किस तरह हम तुम मिले, कैसे मुलाकात हो? मदहोश मैं, खामोश तू, कैसे कोई बात हो? बीच में आए तेरा घूंघटा, बीच में आए तेरा घूंघटा, हे चांद घटा से निकले, कोई उठाए तेरा घूंघटा, आए रे आए तेरा घूंघटा। Thank you.